वही बलौदाबाजार भाटापारा अंतर्गत ग्राम महकोनी अमर गुफा में स्थित जैत खाम को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की जांच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सीबी वाजपेयी आज घटना स्थल पर पहुंचे। इससे पहले कलेक्टर से चर्चा कर स्थिति के बारे में जायजा लिया गया। दरअसल 15 और 16 मई को हुए जैत खाम तोड़फोड़ के मामले में राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सीबी वाजपेयी को न्यायिक जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी दौरान वे बलौदा बाजार पहुंचे और कलेक्टर से स्थिति की चर्चा की। उन्होंने बताया कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, अपने अपने साक्ष्य दस्तावेज रखेंगे, फिर उनके बयान होंगे, फिर उनको परीक्षण का मौका दिया जाएगा। नियत कर रहे हैं और उसके उपरांत जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अभी ये कह पाना तो थोड़ा कठिन होगा कि प्रतिवेदन कब तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया जाता है। अभी सब पक्षकार आएंगे सामने, अपने अपने साक्ष्य दस्तावेज रखेंगे, फिर उनके बयान होंगे, फिर जो पक्षकार जिनके बारे में कोई बात आ सकती है उनको प्रतिपरीक्षण का मौका दिया जाएगा, फिर उभय पक्ष के तर्क सुने जाकर फिर प्रतिवेदन बनाया जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा समय साध्य काम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर सकूं।